नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और देखिए तस्वीरें, लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो गांधी मैदान पहुंचे हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जो हैं वो पटना पहुंचे हैं। पुष्पा 2 मूवी की लॉन्चिंग होनी है और कितनी भीड़ है। देखिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं, हज़ारों युवा हैं, वो आप पहुंचे हैं गांधी मैदान में और इतनी भीड़ हो गई है। देखिए भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और हालांकि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम हैं, पुलिस के लोग हैं, लेकिन फिर भी अलग से जो बाउंसर्स होते हैं वो भी रखे गए हैं। लेकिन इतना होने के बाद देखिए कैसे बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। फैंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बड़े बड़े जो वॉच टावर बनाए गए हैं, कुछ लोग तो उस पर भी चढ़ गए थे लेकिन अभी उन्हें उतारा गया है। लाइटिंग व्यवस्था है, लेकिन देखिए कैसे बोतल्स और चप्पल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता है, भीड़ को ये शोभा नहीं देता है। प्रशासन ने अब कंट्रोल करना शुरू किया है, लेकिन काफ़ी भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तस्वीर देखिए, देखिए कैसे चप्पल फेंका जा रहा है। तो ये ठीक बात नहीं है। देखिए कैसे भीड़ से ये चप्पल जो है वो फेंका गया है। क्या सच में ये अभद्रता नहीं है, ये अभद्र स्वभाव नहीं है? क्या सच में फैंस यहाँ पर इंजॉय करने आए हैं? और अब उन्हें समझाया जा रहा है, प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए कैसे प्रशासन जो है वो आगे आ चुकी है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन पटना पहुँच चुके हैं, हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फैंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। पुष्पा 2 मूवी की ट्रेलर की लॉन्चिंग होनी है, तो समझ सकते हैं। देखिए चप्पल बरस रहे हैं यहाँ पर, जूते चप्पल बरस रहे हैं। कुछ फैंस जो हैं वो हाथ में अल्लू अर्जुन की तस्वीर भी लिए हुए हैं, जो दिखा रहे हैं दूर से, ये अलग तस्वीर निकल के आ रही है। वहीं कई जो असामाजिक तत्व होते हैं, भीड़ में शामिल होते हैं, वो चप्पल फेंक रहे हैं, बोतल्स फेंक रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि उन्हें चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरा से चिन्हित करके उन्हें दंड भी दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं हर तरफ, देखिए कैमरा लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो गांधी मैदान पहुँचे हैं। खुद जो यहाँ के SP हैं, DSP हैं, वो सभी तैनात हैं हर तरफ भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए। और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी पटना पहुंच चुके हैं, गांधी मैदान रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे पीछे जहां बेहतरीन मंच देख रहे होंगे बनकर तैयार है, शाम का समय है, वहीं दूसरी ओर कैसे हर तरफ वॉच टावर के ऊपर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं। देखिए हर तरफ वॉच टावर बनाए गए हैं और देखिए कैसे पीछे कैसे वॉच टावर पे लोग चढ़ गए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़ गए हैं। कहा जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप वॉच टावर से उतर जाएं, आपको चोट लग सकती है। लेकिन समझ सकते हैं, ये काफ़ी अलग तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं, कैसे हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो पटना के गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं। और कुछ असामाजिक तत्व हैं जो भीड़ में शामिल हैं, वो तो हर जगह होती है, उन पर भी काबू पाया जा रहा है। लेकिन वॉच टावर पर जो लोग चढ़ गए, युवा चढ़ गए हैं, क्योंकि रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन को देखने के लिए साउथ के सबसे चर्चित चेहरे, सबसे बड़े सुपरस्टार वो पटना पहुंचे हैं। पुष्पा 2 मूवी की ट्रेलर लॉन्चिंग है और उसका ट्रेलर लॉन्च होगा 5 दिसंबर को। ये मूवी सिनेमाघरों में आ जाएगी, बड़े पर्दे पर आ जाएगी। लेकिन उससे पहले पटना ही वो जगह है जहां पर पुष्पा 2 मूवी का जो ट्रेलर है उसकी लॉन्चिंग हो रही है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कैसे पुष्पा मूवी की ट्रेलर की लॉन्चिंग हुई है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन भीड़ कितनी है, फैंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़कर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तक पहुंच चुके हैं। और ये जो मीडिया गैलरी बनी हुई है यहाँ तक फैंस जो उनके पहुँच चुके हैं, हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में पहुँचे हैं, वॉच टावर पर चढ़ गए हैं। और एक झलक पाने के लिए अल्लू अर्जुन जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं और रश्मिका मंदाना की, एक झलक पाने के लिए वो हम आपको कैसे फैंस की बेसब्री जो है वो दिखा रहे थे, लोग कितने बेताब हैं, कितने उग्र हैं, वो आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे। रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन ने यहाँ पर सबका दिल जीता है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।